हाय फ्रेंड्स मेरे तुनाकपाल देखिए आज आपके लिए जो है आपकी फरमाइश आई है काफ़ी लोगों की कि मीडियम साइज का जो स्वेटर या कार्डिगन हम बनाते हैं वो किस तरीके से उसकी फुल जो है मेजरमेंट और विद स्टिचेस आप बताइए कि किस तरीके से आप ये बनाते हैं तो देखिए ये मैंने जो है मीडियम साइज़ का स्वेटर बनाया है एम साइज़ है और यहाँ पे मैं बता दूँ ये बैक साइड में कितना बनाया है और फ्रंट में कितना है फुल लेंथ तो देखिए इस स्वेटर की जो है ट्वेंटी फाइव इंचज़ है फुल लेंथ यहाँ से लेकर पूरे बॉर्डर तक पच्चीस इंच है अब इसमें जो है मैंने बैक में 128 ट्वेंटी स्टिचेस डाले हैं क्योंकि ये पतली वूल ली है मैंने ओसवाल की निट प्लस वूल है तो इसमें जो है मैंने बैक साइड पे 128 ट्वेंटी स्टिचेस डाले हैं बॉर्डर मैंने इसको एक इंच का किया है वन इंच का बॉर्डर किया है ये बॉर्डर ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप इस तरीके का बॉर्डर कैसे डाल सकते हैं एक ब्लाउज पर भी मैंने रेड में ये डाला है मेरे चैनल पर ऑलरेडी है अब उसके बाद आप ये देखेंगे देखिए ये मैंने इसमें पॉकेट्स डाली हैं ये आजकल लेटेस्ट पॉकेट थोड़ा बिल्कुल आपके बॉर्डर के साथ ही होती हैं ये लेटेस्ट इसका डिज़ाइन वो चला है ये जस्ट नॉर्मल है कि आपने जैसे ये मैंने बताई हुई है अपने चैनल पे आप नॉर्मल उठा के फंदे किस तरीके से इस जो है पॉकेट को बना सकते हो अब इसमें जो डिज़ाइन डाला है वो डिज़ाइन नंबर वन है मेरा डिज़ाइन नंबर वन है जो डाला हुआ है बैक में वन डाले हैं स्टिचेज डिज़ाइन 163 डाला है तो देखिए बैक में भी मैंने इसके ये डिज़ाइन डाला है देखिए ये बैक में भी डिज़ाइन डाला हुआ है अब उसके बाद जो बैक का जो बॉर्डर से लेकर आर्म होल तक की जो लंबाई है वो 16 इंचेस की है और आर्म होल से ऊपर शोल्डर तक पूरा नाइन इंचज़ है और इसकी मैंने थोड़ी सी जो कटिंग आपके गले की जो इसकी दी है वो मैंने जस्ट एक इंच पहले दी है अब देखिए आर्म होल की जो कटिंग uh, करते हैं हम शेप देते हैं वो मैंने इसमें सिक्स थ्री टू वन यानी कि छः तीन दो एक करके दी है और उसके बाद जस्ट एक इंच पहले यहाँ पे शोल्डर्स पे थर्टी स्टिचेस रख के बैक के गले में फोर्टी फोर स्टिचेस को बंद कर दिया है तो बैक तो ऐसे बनाया अब आ जाइए फ्रंट पार्ट पे अब जो फ्रंट पार्ट है इसका उसमें मैंने सिक्सटी फोर प्लस पट्टी के बारह फंदे यानी कि बैक में मैंने वन ट्वेंटी डाले थे उसके आधे सिक्सटी फोर प्लस बारह फंदे पट्टी के इस तरीके से बॉर्डर बनाया और उसके बाद जो है ये पॉकेट इसमें डाली है बिल्कुल पॉकेट बॉर्डर के साथ है आजकल नया फैशन चला है ये कि पॉकेट बॉर्डर के साथ डाली जाती है इस तरीके से देखिए और वही डिज़ाइन है 163 नंबर डिज़ाइन को डाला हुआ है अब इसकी भी मैंने बॉर्डर से लेकर आर्म होल तक जो लेंथ रखी है वो भी 16 इंचेस है और आर्म होल से लेकर शोल्डर तक जो है 9 इंचेस है अब यह होल की जो कटिंग की है वो सिक्स थ्री टू वन करके की है इसमें और उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है आ, कम से कम इसमें यहाँ पे ये यह साढ़े तीन इंच है तो नौ इंच में से यहाँ साढ़े पाँच इंच बनाने के बाद जो है इसकी गले की कटिंग की है अब गले की कटिंग किस तरीके से की है ये मैं बता देती हूँ शोल्डर्स पे तो हमें थर्टी फंदे रखने थे गले की कटिंग के लिए ये पट्टी के बारह फंदे किसी पर उतार दिया आपने और उसके बाद जो शेप दी है वो आठ फंदे एट फाइव फोर थ्री वन इस तरीके से इसकी गले की शेप दी है मैंने दोनों पट जो फ्रंट है वो एक जैसा बना है इस तरीके से शेप देने के बाद यहाँ पे मैंने ये साढ़े तीन इंच बनाया है तो टोटल में जो है ये नाइन इंचेस है यहाँ से लेकर यहां तक अब देखिए ये तो बन गए और उसके बाद आपने इसके शोल्डर्स जोड़ दिए अब आ जाते हैं बाजू के पार्ट पे बाजू में मैंने यहाँ फिफ्टी टू स्टिचेस डाले हैं एक इंच का बॉर्डर बनाया है इसी तरीके से और वही 163 नंबर डिजाइन इसमें डाला है अब यहां पे मैंने आप ये देखेंगे हर पांचवी लाइन में फंदे बढ़ाते हुए गई हूं तो देखिए इसकी शेप देखिए आप इस तरीके से आई है अब इसकी जो लंबाई रखी है मैंने बाजू की वो है आपकी 20 इंच यहां से लेकर यहाँ तक यहां तक उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है 106 फंदे हो गए थे और फिर जैसे कटिंग की है वो है सिक्स थ्री टू वन और उसके बाद एक एक फंदा मैंने कम से कम चौदह बार किया है और उसके बाद तीन तीन फंदे करके ऊपर आठ या दस फंदे थे वो बंद कर दिए ये बाजू भी आपने दोनों एक जैसी सेम जो है बनानी है इस तरीके से देखिए अब उसके बाद आपने अब आप ये जो मैंने पॉकेट डाली है ये आप दो मेरे उसमें चैनल पे देख सकते हैं डली हुई है नॉर्मल सीधी पॉट कैसे डालते हैं अदरवाइज़ आपने यहाँ से फंदे उठाकर इसे इस तरीके से चढ़ा के यहाँ बना के बंद कर देना और दोनों साइड्स जो है सिल देने हैं अब आ जाती है गले की बारी ये देखिए इसमें जो गले में मैंने फंदे उठाए हैं देखिए आप ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी कटिंग और शेप आई है गले के फंदे मैंने कम से कम इसमें जो है वन ट्वेंटी सिक्स उठाए हैं और उसके बाद इस तरीके से इसकी शेप दी है और ये मैंने जस्ट तीन लाइंस का गले का जो है डबल बॉर्डर बनाया और उसे बंद कर दिया और बटन होल्स आपने अपने हिसाब से बीच बीच में डालने हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी है कि बटन होल्स आप कैसे डाल सकते हैं तो देखिए कितना बढ़िया गला इसका देखेंगे आप ये देखिए शेप कितनी अच्छी आई है, है सुंदर सी इस तरीके से ये जो मीडियम साइज का कार्डिगन आप बना सकते हैं अब आप स्वेटर का सोचेंगे तो इसकी सिर्फ पट्टी के फंदे अलग करने हैं बाकी सारा जो लेंथ होती है जो मैं लंबाई बता रही हूँ जो उसके स्टिचेस बता रही हूँ जनरली वो सेम होते हैं और रही बात आ, हर एक के फिजिक पे डिपेंड करता है फंदे और वूल पे डिपेंड करता है कि आप फंदे कम रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे अब ये मैंने जो है ओसवाल की निट प्लस ली है तो इसे मैंने 10 नंबर सिलाई से बनाया है आप देखिए देखिए कितनी फ़ाइन आई है ज़्यादातर मैं यही लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत जो निटिंग है जो डिज़ाइन है बहुत फ़ाइन आती है देखेंगे आप तो इस तरीके से आपका ये जो मीडियम साइज़ का फुल लेंथ बताई मैंने तो आप इस तरीके से इसे जो है बना सकते हैं तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ थैंक यू